तो यार अभी हमें पता है, हमने बताया था मॉड साइन एक्स हो मॉड कॉस एक्स हो इनका पीरियड आता है। कतरा कतरा खून का बहा देंगे, कतरा कतरा खून का बहा देंगे, आसमान को भी जमीन पर ला देंगे, आसमान को भी जमीन पर ला देंगे। एक बार एग्जाम तो आए, एक बार एग्जाम तो आए, पूरे पेपर में आग ही आग लगा देंगे। इतना अच्छा जुनून कहाँ से आया भाई, बहुत अच्छी लाइन लिखी तुमने तो। ओके, ये जो लाइन है मेरे फॉर ऑल सांभास, जितने मेरे सांभा है ना सभी के लिए है, यानी कि जितने मेरे सोल्जर्स हैं सभी के लिए है। यार इस लाइन को आज याद रख लो, बस मजा आ जाएगा। तो फिर से एक बार रिपीट कर दें, कतरा कतरा खून का बहा देंगे। अरे सर जी खून कोई बात नहीं, बहा सकते हो तुम लोग, सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। आसमान को भी जमीन पर ला देंगे, एक बार एग्जाम तो आए, पूरे पेपर में आग ही आग लगा देंगे। तो भाई जोश और जुनून डेली होना चाहिए, डेली। जब तक जोश और जुनून नहीं हो तब तक पढ़ने में मज़ा ही कहाँ आएगा। तो मेरा सबसे पहला काम होता है आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना, उसके क्लास को आगे बढ़ाना। वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी, आप सभी का फेवरेट एजुकेटर। आप लोगों का जय हो इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बस 5 कदम दूर हैं, कहाँ से गेस करके बताना और कमेंट करना भाई किस जगह से 5 कदम दूर हैं। तो पार्टी तो होनी चाहिए ना, बिल्कुल होगी कल आप लोगों की पार्टी, ठीक है। कल यार डे भी अच्छा है, आई होप टीचर्स डे, तो बिल्कुल कल पार्टी करेंगे, ठीक है। हम नहीं करेंगे यार, तुम लोग करोगे, ठीक है। चलो आज स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि बस एक ये एक छोटा सा ऐसा कलंक लगा है मेरे ऊपर कि इन्होंने ये चीज़ नहीं पढ़ाई है, इनको आती नहीं है। दैट्स इट यार, क्लैपिंग, अच्छी सोच है आपकी फिलहाल। तो फिर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे आज सबसे पहले पीरियड, जो कि आपको सबसे टफ लगता है निकालने का भी सही जरिया नहीं पता है, आई होप सो। तो आज आपके जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कैसे भी पीरियड होना सारे कराना सिखा देंगे आपको हम, पीरियड्स कैसे आप पीरियड्स निकालते हैं, उसके बाद रेंज ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद इनकी आर्क कैसे निकाली जाती है, इनकी जो डिग्री है वो सबको निकालना आता होगा, साइन 18, साइन जितनी भी वैल्यूज है 72, 36, ये सारी वैल्यूज, उसके बाद जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो ये भाई दो पार्ट में वीडियो बनेगा। आज हम लोग बात करेंगे पीरियड और डोमेन रेंज की, कल हम लोग बात करेंगे आर्क इनकी जो वैल्यू है, और इसके बाद आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। आप लोगों ने देखा होगा पेपर में 2 से 3 मार्क्स का आता है टॉपिक, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। तो भाई अब T20 का मेन मकसद यही है कि आपको थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने हैं, लेकिन T20 के चक्कर में कहीं 1500 को मत भूल जाना, क्योंकि बेसिक तो आपको वही करना है, ठीक है। T20 में मैं आपको थोड़े से इंपॉर्टेंट चीज करा रहा हूं, लेकिन जो बेसिक है, बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है आपको, अन अकेडमी 1500 फॉलो करना पड़ेगा। और भाई जो आपका ग्रैंड सरप्राइज है आज शाम तक शायद रिवील हो जाए। चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले उसका पीरियड का, क्योंकि पीरियड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं यार पीरियड ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, fx + t = fx। जैसे हम इवन ऑड फंक्शन जज करते थे, सेम वैसे यहां पे हम आप जज करेंगे फंक्शन का पीरियड क्या होगा। यानी ये जैसे हमने देखा fx + t, यानी कि एक टाइम के बाद जो फंक्शन होगा वो वापस अपनी वैल्यू पे आ जाएगा, यानी कि एक ऐसा टाइम जहां से फंक्शन अपनी पुनः स्थिति में आ सकता है, यानी फंक्शन वापस से रिपीट होने लगे, यानी आफ्टर ए वैल्यू फंक्शन रिपीट इटसेल्फ, एक ऐसी वैल्यू जिसके बाद फंक्शन क्या करे, अपने आप को क्या करना चाहिए, कर दे रिपीट कर दे। तो वही जो वैल्यू होती है ना उसको हम लोग बोलते हैं पीरियड ऑफ फंक्शन। जैसा आपको ग्राफ में मेंशन होगा कि यहां से यहां तक चलने के बाद ये जो फंक्शन है ये क्या है, रिपीट होने लगता है। तो भाई यहां से यहां तक की डिस्टेंस आप देख रहे हो, यानी कितनी के बाद, यानी कितने अंतराल के बाद ये जो फंक्शन है आपका पीरियड शो करता है। तो आई होप 2π के बाद, यानी ये 2π के बाद ये जो फंक्शन है ये देख रहे हो वैल्यू अपनी रिपीट करता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फंक्शन किसका है, भैया ये फंक्शन जो है ये y = sin x का है, यानी sin x की अगर हम बात करें पीरियड की, तो पीरियड sin x का क्या हुआ, 2π हुआ। sin x का पीरियड क्या हुआ, 2π। अभी देखो, अभी हम सारे कॉन्सेप्ट के बाद आपको काफी अच्छे से क्वेश्चन कराएंगे इसमें, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो भाई sin x का जो पीरियड है वो क्या है, 2π है, इतना क्लियर है। अब हम बात करेंगे कि आगे हमारे पास साइन कॉस टेन ये पीरियड क्या होते हैं। तो भाई देखो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉस एक्स कॉट एक्स
sec x, ये सारे फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, ये सारे फंक्शन आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम लोग एक चीज याद रखें, कुछ फंक्शंस जैसे अपने पास आ जाता है, कौन कौन से फंक्शन, x स्क्वायर, log x, ये फंक्शन पीरियड फंक्शन कुछ जो हमारे पास, अगर उसने कहा y is equal to log x, periodic function है, बिल्कुल नहीं है, x नहीं है, x square नहीं है, तो ये हम लोगों को दो तीन याद रखने हैं कि ये फंक्शन periodic function नहीं होते। बहुत से फंक्शन अपने जो बेसिकली trigonometry में पूछता है, तो trigonometric जितने फंक्शन है सारे periodic function होते हैं, sin, cos, tan, cos x, x, cot, ठीक है। अब इनके पीरियड क्या क्या है और कौन कौन सी एनालिसिस कर सकता है, चलो देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ फंक्शंस, जैसे y is equal to log x, x square x, तो भैया इसका ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये काफी बार पूछे गए हैं कि log x का फंक्शन कैसा है, पीरियोडिक फंक्शन है, बिल्कुल नहीं है, log x पीरियोडिक नहीं होता, x square पीरियोडिक नहीं होता, x पीरियोडिक नहीं होता, ऐसे बहुत सारे फंक्शन ऐसे जो पीरियोडिक नहीं होते। अब हमको मतलब है पीरियोडिक से, तो बात करें sin x, cos x, sec x, cos x, डायरेक्टली काफी बार पूछा जा चुका है कि भैया sin x के फंक्शन का पीरियड क्या होगा, तो sin x का 2π, ये अभी हम बताएं बेसिक करना, क्योंकि अभी आगे काफी सारे क्वेश्चन में इसकी हेल्प मिलेगी, ठीक है। cos x का क्या होगा 2π, sec x का क्या होगा 2π, cos x का क्या होगा 2π, यानी sin, cos और इनके जो विपरीत फंक्शन होगा, मतलब cos x और sec, इनका जो पीरियड sec x, ठीक है, sin, cos, sec और cos x, इनके जो पीरियड होंगे ये होंगे आपके 2π, ये आपको याद रखना है, ठीक। क्यों? क्योंकि अभी आगे इसमें क्वेश्चंस हम लोग इसके काफी सारे क्वेश्चंस इनसे मैचिंग होंगे, उनको करना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं tan x और cot x, भाई tan x और cot x का जो पीरियड होता है वो होता है आपका पाई, याद रखना भाई, ठीक है। tan और cot दोनों का पीरियड पाई होता है, और sin, cos, sec x और cos x इनका जो पीरियड होता है 2π होता है। अब बात करते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इनका जो पीरियड है वो 1 होता है, ये आपको पूछा जा चुका है बहुत बार, तो आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं साइन की पावर nx, cos की पावर nx, sec की पावर nx, cos की पावर nx, इनका जो पीरियड होता है 2π से पाई होता है, वेरी करता है पावर्स कैसी हैं, इवन है या ऑड है, तो याद रखना इनका जो पीरियड होता है 2π एंड पाई दोनों हो सकता है, वेरी करेगा आपका कि पावर्स कैसी इवन है या ऑड है। आगे देखते हैं, तो आगे क्या है अपने पास, tan की पावर nx और cot की पावर nx। अब ये चाहे पावर्स इवन हो या ऑड हो, इनके जो पीरियड आएंगे इनके पीरियड आपको पाई ही आएगा, ठीक है। tan की पावर nx, जैसे हमसे उसने कह दिया भाई हमें tan x और सर ने cot x का तो बता दिया था, लेकिन उसने कहा tan की पावर 5x का बताओ, बैठ गए शांति से, मयंक सर ने नहीं पढ़ाया था, पेपर हुआ बताया ही कहाँ, आते ही कहाँ भैया, इसीलिए मैंने n कर दिया है, n में 1 आए 2 आए 3 आए 4 आए 5 आए 6 आए, जितने भी पावर्स आए हमेशा रखना इनका जो पीरियड होगा वो होगा आपका पाई, आपको ये याद रखना है, ठीक है, चाहे इवन हो या ऑड हो, आंसर क्या आएगा पाई। अब बात करते हैं मॉड साइन एक्स का, आज सारे पीरियड हो जाएंगे, परेशान मत हो, चाहे मॉड में दे, चाहे ग्रेटेस्ट इंटीजर में दे, चाहे तुम्हारे पास पावर में दे, चाहे सिंगल दे, चाहे ए एक्स प्लस बी करके दे, सारे पीरियड करा देंगे आपको, कोई भी पीरियड होगा कभी दिक्कत नहीं देगा। तो बात करते मॉड ऑफ साइन एक्स, मॉड ऑफ कॉस एक्स, मॉड ऑफ टेन एक्स, मॉड ऑफ कॉट एक्स, मॉड ऑफ सेक एक्स, मॉड ऑफ कॉस एक्स, यानी किसी का भी मॉड हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और उसका मॉड दे दे, तो तुम भी आंसर दे दो पाई, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी सॉल्यूशन है, हमने करा रखा है, तो आंसर क्या आएगा पाई आएगा, क्लियर हो गया ना। आगे चलते हैं, डबल मॉड दे दे सर जी, तो आओ भाई डबल मॉड दे दे, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दे देगा, ठीक है, टेन एक्स प्लस कॉट एक्स दे देगा, सेक एक्स प्लस कॉस एक्स दे देगा, अगर इस टाइप में देगा तो भी इसका आंसर याद रखना पाई बाई टू, इसका आंसर क्या आएगा पाई बाई टू। अगर उसने कह दिया मॉड के अंदर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, मॉड के अंदर टेन एक्स प्लस कॉट एक्स, मॉड के अंदर सेक एक्स प्लस कॉस एक्स, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा पाई बाई टू, यानी आपको क्लियर हो चुके साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉट, इनका पीरियड क्या आ जाए साइन कॉस टेन, साइन कॉस सेक और कॉस एक्स पीरियड 2π, टेन और कॉट पीरियड पाई, उसके साइन की पावर एन एक्स, कॉस की पावर एन एक्स, सेक की पावर एन एक्स और कॉस एक्स की पावर एन एक्स, डिपेंड करेगा पावर इवन है या ऑड है, तो पीरियड क्या होगा 2π और पाई हो सकता है, ठीक। इसके बाद बात करते हैं 10 की पावर nx, cot की पावर nx, पीरियड क्या होगा पाई होगा, चाहे इवन हो या ऑड हो। mod sin x, mod cos x, mod tan x, mod cot x, mod sec x, mod cos x, पीरियड चाहे जो भी mod हो आंसर पाई आएगा। आफ्टर दैट mod ऑफ sin x प्लस cos x पूछ दिया, mod ऑफ tan x प्लस cot x पूछ दिया, mod ऑफ sec x प्लस mod ऑफ cos x पूछ दिया, पीरियड आ जाएगा पाई बाई टू। इनवर्स दे देगा तब कौन, हम बताएंगे, बिल्कुल हम ही बताएंगे, आओ।
अब हम चलते हैं अपने लास्ट स्टेप की तरफ, और लास्ट स्टेप क्या है? साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स। अब कहता है कि भैया इसका पीरियड बताओ, तो ठीक है आपको याद रखना है कि इसका जो पीरियड होता है पाई होता है, चाहे हमारे पास साइन इनवर्स साइन एक्स हो जाए, चाहे हमारे पास कॉस इनवर्स कॉस एक्स हो जाए, या सेक इनवर्स सेक एक्स हो जाए, या टेन इनवर्स टेन एक्स हो जाए, या कॉट इनवर्स कॉट एक्स आ जाए, या कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स आ जाए, याद रखना इनका पीरियड्स क्या होता है भैया। इनका पीरियड यानी कि इनका आवर्त जो होता है वो होता है पाई। अब बात आती है इनके न्यूमेरिकल एनालिसिस की, तो वो भी हम तुम्हें करा रहे हैं, लेकिन याद रखना तुम्हारे पास एयरफोर्स जैसे और डबल ए जैसे एग्जाम्स में डायरेक्टली हिट करता है क्वेश्चन, आपसे डायरेक्टली पूछता है कि भाई इनका पीरियड बताओ। लेकिन अब कुछ एनालिसिस भी देखो, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी आपसे डायरेक्टली पूछी जाती है। तो चलो अब हम इनके कुछ एनालिसिस यानी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, क्या क्या पूछ सकता है ये। चलो अब हम देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस कैसे बनाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है साइन ए एक्स प्लस बी, हमको क्या निकालना, साइन ए एक्स प्लस बी। अब हमारे पास देखो कभी भी पीरियड्स ऐसे आ जाए, हमें टेन एक्स का पता है अब, लेकिन उसने टेन के साथ कोई कांस्टेंट ऐड कर दिया, तो बस सिंपल सा मेथड है, हमको उस कांस्टेंट से डिवाइड करना है। मतलब अपने पास अगर आ गया साइन ए एक्स प्लस बी और कहता भाई साहब पीरियड बताओ, क्या करेंगे, आओ सामने। ठीक है, तो भैया फॉर्मूला होता है साइन एक्स का, हमें पता है टू पाई होता है, साइन एक्स का क्या होता है टू पाई, और जो कांस्टेंट होगा आपको क्या करना होगा, उस कांस्टेंट की वैल्यू से डिवाइड करना होगा, तो आंसर आएगा टू पाई बाई ए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब बात करते हैं छोटे मोटे निन्ने मुन्ने क्वेश्चंस की। तो साइन टू एक्स का दे दिया, तो भैया हमें पता है टू साइन एक्स का क्या होता है टू पाई, एक्स के साथ क्या, तो आंसर क्या आएगा पाई। क्लियर हुआ? अब कहता साइन थ्री एक्स प्लस फाइव का, तो भैया हमें पता है कि साइन एक्स का फंक्शन है और साइन एक्स के फंक्शन का पीरियड होता है टू पाई, साइन एक्स के फंक्शन का पीरियड होता है टू पाई, लेकिन अपॉन में क्या है थ्री, तो हम लोग क्या कर देंगे थ्री से डिवाइड कर देंगे। क्लियर हुआ? टू पाई बाई थ्री आ गया आंसर। इसके बाद बात करते कॉस फाइव एक्स प्लस पाई बाई फोर की, ये पाई बाई फोर देख के डरना नहीं, ये कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट इसको साइड वाले कॉन्स्टेंट को हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है जो एक्स की वैल्यू को वेरियंस मिला रहा है, यानी जो एक्स की वैल्यू को डिस्टर्ब कर रहा है वो है फाइव, तो आंसर आएगा टू पाई बाई फाइव। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इन केस अगर उसने दे दिया टेन बताओ थ्री एक्स प्लस फोर बी का, तो हमें इस b से मतलब नहीं, क्योंकि b एज ए कॉन्स्टेंट, हमें मतलब है 10 के फंक्शन से, 10 का फंक्शन होता है पाई और x को डिस्टर्ब कौन कर रहा है 3, तो आंसर आएगा पाई बाई 3। क्लियर हुआ? आगे समझते हैं 2 sin x इंटू cos x। भैया फॉर्मूला तो होता है sin 2x, फॉर्मूला तो होता है sin 2x, अब हम लोग क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर दें, मतलब 2 पाई बाई 2 दैट्स गिव्स पाई। आई होप यहां तक क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ में आया। काफ़ी बच्चे कहते हैं सर थोड़ी सी लेंथ बढ़ा दिया करो, वीडियो 30-40 मिनट का कर दिया करो। यार वीडियो ऑफलाइन का होता है, जब हम इसको बनाते हैं ना ऑफलाइन मोड में, तो ये वीडियो बनता है जाके कम से कम एक घंटे का, उसके जब हम इसको शॉर्ट करते तो अपने आप पहुँच जाता 20 मिनट का, तो क्या करें चाचा, वीडियो तो हम बनाते हैं एक घंटे का, लेकिन इसको छोटा 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 करते करते पहुँच जाता है 20-25 मिनट का। यार मेहनत मेरी होती है इसमें 2 घंटे की, लेकिन वीडियो आता है 25 मिनट का, क्योंकि इसमें मैं कुछ भी छोड़ो ऑफ। ठीक है, अब लोग देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या है भैया, साइन 2x प्लस कॉस 3x। क्वेश्चन क्या कहा उसने, साइन 2x प्लस कॉस 3x कह रहा है भैया इसका पीरियड बताओ, इसका हमारे पास आवर्त बताओ क्या होगा। तो यार देखो समझने की कोशिश करना, अब हमसे उसने क्वेश्चन दिया साइन 2x प्लस कॉस 3x, अब दोनों फंक्शन प्लस में हैं, अलग अलग लिखें तो एक साथ आंसर देना पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा इसका पीरियड निकालो भाई, जब इसका पीरियड निकाला तो हमें आया 2π/2 आ जाएगा, इसका पीरियड क्या आएगा, इसका पीरियड आ जाएगा आपके पास यहाँ से 2π/3। ठीक, इतना क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया? अब हम लोग क्या कर लेंगे, इन दोनों के ऊपर वाली वैल्यूज का क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, सीधे सीधे हमको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है, और एलसीएम आएगा 2π, तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया 2π। क्लियर हुआ? कुछ नहीं करना है, सिंपल से हमने क्या किया, दोनों फंक्शन के पीरियड्स निकाले, दोनों फंक्शन के पीरियड्स का जो ऊपर वैल्यू वैल्यू हुआ है उनका हमने क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया, सिंपल से अपने पास आंसर आ जाएगा 2π। समझने की कोशिश करना, अगला क्वेश्चन है, काफी अच्छा मेथड है ये। अब हमसे कह रहा है साइन पाई एक्स बाई थ्री कॉस पाई एक्स बाई फोर, देख के डर गए, गिर पड़े, क्वेश्चन छोड़ के चले आए, क्वेश्चन पेपर बहुत टफ था, पेपर बहुत ईजी था, कैसे, बात करते हैं यार इसका अगर पीरियड निकालो साइन पाई एक्स बाई थ्री, तो भैया इसका पीरियड आएगा 2π/3, ये 3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और इसका आएगा 2π/4, ये 4 यहाँ आ गया, तो हमारे पास कितना बचा, यहाँ से आया 6π, या 6 और आप देखो 4 2 जा
8 इनका एलसीएम ले लो, 6 और 8 का एलसीएम आएगा 24, इनका जो पीरियड आएगा 24 आ जाएगा। सिंपल सा मेथड है, आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आपको न्यूमरेटर के एलसीएम फैक्टर से मतलब है। तो मैंने एलसीएम लिया 3 × 6 और 8, तो आंसर कितना आएगा 24। क्लियर हुआ, आ गया समझ में, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, अगला क्वेश्चन कह रहा है मॉड साइन एक्स बाय 2 प्लस मॉड कॉज एक्स। अब कह रहा है इसका पीरियड बताओ, तो यार अभी हमें पता है, हमने बताया था मॉड साइन एक्स हो मॉड कॉज एक्स हो इनका पीरियड आता है पाई, इनका पीरियड क्या आता है पाई। तो इसका भाई पीरियड क्या आएगा, इसका आएगा आपका पाई अपॉन 1/2, मतलब 2π आ जाएगा नहीं आ जाएगा, यहां से पीरियड क्या आएगा पाई आएगा, और दोनों का एलसीएम कितना होगा 2π तो होगा, तो आंसर क्या आएगा 2π। आपको कुछ नहीं करना है, इसका पीरियड निकाला, इसका पीरियड निकाला, दोनों का एलसीएम ले लिया। अगर प्लस में अपने पास है तो हम इस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आई होप आज के बाद से पीरियड में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और बेसिकली आपको छोटे छोटे पीरियड्स पूछता है, ऐसे पीरियड्स भी बहुत कम पूछता है, अगर पूछे तो आप कर लोगे, लेकिन क्वेश्चन हमेशा छोटे पीरियड्स का पूछता है। मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों का देखो पीरियड ऑफ फंक्शन हो गया। अब बचा ट्रिग्नोमेट्री, तो भैया कल इसका दूसरा लेसन बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्री का, और आपको उसमें ट्रिग्नोमेट्री जितनी भी छोटी छोटी आइडेंटिटीज होती हैं हम सारी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज करा देंगे। तो मेरे हिसाब से अब तो पेपर में 25 में 25 होने चाहिए, अगर वो 26 की कोशिश करता तो आप कहते यार एक क्वेश्चन दे दो और कर देता, ठीक है, कुछ भी नहीं छूटा है, सब कुछ कंप्लीट है, ठीक है। और अभी T20 तो एकदम महाफाड़ू सीरीज है आपकी, ये मान के चलो आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स और होंगे, लेकिन 1500 को एलिमिनेट करने की कोशिश मत करना, वो बाप ऑफ द ऑल कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है, वो बहुत अच्छी सीरीज है। आप कहोगे तो कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहा हो, पॉइंट भी नोटेड, कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यू अभी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपका एडमिट कार्ड आने दो, एडमिट कार्ड आते ही थोड़ी सी आग और लगेगी, जब आग लगेगी तभी मजा आता पढ़ाने में आपको भी हमको। तो फिर अब हम लोग चलते हैं, शाम को मिलते हैं और शाम को कराएंगे प्रैक्टिस सेट। कल भाई सॉरी, क्योंकि रागा का प्रैक्टिस सेट नहीं करा पाया था, रागा का प्रैक्टिस सेट कराएंगे, उसके बाद एक ग्रैंड 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 सरप्राइज देंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। अपना जय हो मिशन तो याद होगा भाई, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर देना, इतनी कोशिश करना बस।